ब्रावे एवरीवन, दैट मींस हेलो इन आर्मेनिया। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं आर्मेनिया की कैपिटल सिटी येरेवन में, और ये मेरा पहला ट्रिप है आफ्टर लॉन्ग लास्टिंग कोविड पेंडेमिक और अब्रॉड ट्रिप स्पेशली अगर हम बात करें तो। और आर्मेनिया क्यों स्पेशल है और किस लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ आर्मेनिया आके, काफ़ी सारे रीजंस है गाइस आर्मेनिया के बारे में अगर आप पता करते हैं तो आपको पता चलता है कि आर्मेनिया इज़ सच ए ब्यूटीफुल कंट्री। और यहाँ की जो कैपिटल है येरेवन, वो इतनी बेहतरीन जगह है कि आपको ये अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करती है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, स्पेशली अगर हम बात करें एज एन इंडियन टूरिस्ट और एज एन इंडियन, तो आई टुक टू कनेक्टिंग फ्लाइट्स ऑफ एयर अरेबिया और तकरीबन 6 घंटे मुझे लगे हैं यहाँ पर आने में। और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ही बेहतरीन लोकेशंस, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल फूड एंड काफ़ी बेहतरीन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद ज़रा सा भी जेट लैग फील नहीं होता है, ज़रा सा भी आपको ये नहीं लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, क्योंकि यहाँ की जो जो वेदर है यहाँ का वो काफ़ी बेहतरीन है। इस टाइम करंटली यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही सुहाना बना देता है इस सिटी को। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस कंट्री के बारे में कि यहाँ पर आपको रोमन इन्फ्लुएंस तो मिलेगा ही देखने को, साथ ही साथ आपको सोवियत यूनियन के साथ जो काफ़ी टाइम तक इनका एक एसोसिएशन रहा है वो आपको देखने को मिलता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो बहुत सारे मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक का यहाँ पर जो आपको इन्फ्लुएंस मिलता है देखने को, बहुत सारी आपको कल्चर की जो फील मिलती है वो यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है। लोग बहुत स्वीट है, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आप एयरपोर्ट से लेकर आप जैसे ही सिटी के डाउनटाउन में आते हैं आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंग्लिश काफ़ी लोग समझते हैं यहाँ पे, बट जो यहाँ पे आर्मेनियन लैंग्वेज है उसको ज़्यादातर लोग अच्छे से कोशिश करते हैं कि उसी में ही वो कम्युनिकेट करें, बट फॉर इंडियंस हिंदी यहाँ पर काफ़ी कम लोगों को आती है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जिस तरह से हम सबको ही पता है कि इस टाइम इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है इकोनॉमी के साथ, तो इंडियंस के लिए ये काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी कन्वर्जन रेट्स है वो आपको और ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं इस कंट्री में आने के लिए, जिसके वजह से आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ईजिली अफोर्ड कर पाते हैं, यहाँ पर रहना अफोर्ड कर पाते हैं। होटल्स यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल है, आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, स्टाफ काफ़ी अच्छा है, खाना काफ़ी अच्छा है, और आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार इंडियन करेंसी में INR में आपको काफ़ी बेहतरीन होटल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी मैं बस 2 घंटे पहले लैंड किया हूँ, होटल में चेक इन किया है, तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक का इस सिटी के साथ। और गए जो असली मज़ा इस सिटी में है वो है यहाँ पर लॉन्ग वॉक्स पे जाने का। जब आप यहाँ पर लॉन्ग वॉक्स में जाते हो तो आपको सिटी के साथ क्लोजनेस तो फील होती है, आप सिटी को ज़्यादा केयरफुली अच्छे से समझ भी पाते हो, लोगों के साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, और कहीं ना कहीं जो किसी भी शहर की जो सोल होती है वो आप यहाँ पर देख पाते हो। सो वेल गाइस, आर्मेनिया वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्रीज थी जिसने कि अपने आप को एज ए क्रिश्चियन नेशन इन्होंने एक्सेप्ट किया था, और पूरी जो कंट्री का रिलीजन है वो मेजरली क्रिश्चियन लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, बट दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छे लोग हैं, और इनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको वार्मथ जो होती है वो आपको ज़रूर देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि दुनिया में जो सबसे पहले वाइन्स बनना स्टार्ट हुई थी वो भी ऑलमोस्ट इसी रीजन से हुई थी। वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट वाइन यहाँ पर आपको मिलती है, और ग्रेप्स, उसका रीज़न ये है कि यहाँ के जो ग्रेप्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी स्पेशल ग्रेप्स होते हैं जो कि वाइन बनाने के लिए बहुत एप्ट होते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं, आर्मेनिया आप आते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप यहाँ के ग्रेप्स को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि लोकल ग्रेप्स यहाँ के जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और यस, एज़ यू कैन सी यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको रोमानियन एम्पायर्स का, क्रिश्चियन एम्पायर्स का यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो वेल गाइज, अब आपके माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इंडियन हैं तो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज जो हम करते हैं उसका क्या रेट मिलने वाला है।
तो हेयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, जैसे कि हम सबको ही पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आजकल थोड़ी सी डावाडोल चल रही है, और करंट सिचुएशन में अगर आप इंडिया के 1000 रुपीज़ अर्मेनिया की करेंसी के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको इजीली 6000 से 7000 रुपए मिल जाते हैं इन अर्मेनियन करेंसी, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास काफ़ी सारा अच्छा बजट हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर पाते हैं, और यहाँ पर आपको लोकली काफ़ी सारा आप जो शॉपिंग करते हैं उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगेन अ ग्रेट रीज़न दैट यू शुड कम इन अर्मेनिया एंड यू शुड गो शॉपिंग हियर। सो वेल गाइज, अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है अबाउट अर्मेनिया। अर्मेनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की वो अराउंड 3 मिलियन के आसपास है, दैट मीन्स 30 लाख लोग के आसपास है, जिसमें से कि कैपिटल सिटी में ही तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं, और उसमें भी मोस्टली आपको यहाँ पर फीमेल्स मिलेंगी। यस गाइज, यहाँ पर जो जेंडर इक्वालिटी रेशियो है वो काफ़ी डिसबैलेंस हो चुका है, लड़कियाँ यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी, लड़के आपको कम मिलेंगे, 7 लड़कियों के अगेंस्ट आपको 3 लड़के मिलेंगे। अगर आप रेशो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप आके फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं ने, तो आपके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकती है चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप यहाँ पर आके नए फ्रेंड्स बनाने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। सो वेल गाइज, इट्स टाइम फॉर मी टू हैव अ कॉफ़ी ब्रेक, और जब तक मैं कॉफ़ी इन्जॉय करता हूँ आप तब तक अर्मेनिया की स्ट्रीट्स के मज़े लें।